हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने आपको R15S का ब्लैक कलर दिखाया था, जिसमें आप लोगों की डिमांड थी कि समीर भाई जो ब्लू कलर आता है R15S का, उसकी भी वीडियो लेकर आओ। सो आज की इस वीडियो में दोस्तों R15S का ब्लू कलर लेकर आया हूँ। इस वीडियो में इस बाइक के बारे में कम्प्लीट बात करने वाले हैं, डिटेल्स में बात करेंगे। आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, जो इसका ब्लैक कलर आता है ना, वो मैट में आता है, बट ये जो कलर ऑप्शन है ये ग्लॉसी फिनिश में आता है। यहाँ पे आपको E20 की जो ब्रांडिंग है वो भी आपको बाइक में मिल जाती है। सो आज के इस वीडियो में दोस्तों इस बाइक के बारे में कंप्लीट बात करने वाले हैं, क्या प्राइस आती है, क्या स्पेसिफिकेशन है, कैसा इसका इंजन है। और दोस्तों, वीडियो शूट कर रहे हैं स्वास्तिक यामा में। आपको कोई भी बाइक खरीदनी है यामा की, तो आप कॉन्टैक्ट जरूर करिए और आप आकर विजिट भी कर सकते हैं। सो चलिए फिर आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचते रह सके एंड आप मेरे वीडियो से अपडेट रह सकें। सो चलिए फिर आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं इस बाइक के प्राइस के बारे में। आपको ये बाइक क्या प्राइस देखने को मिलती है? आप ऑब्वियसली बात है, कोई भी चीज़ खरीदने वाले हैं, खरीदने की सोच रहे हैं, तो सबसे पहले अपने बजट के बारे में सोचते हैं। R15S जो है ये आप लोगों को एक्सोरूम प्राइस अराउंड 1,65,400 रुपीज़ के आसपास की एक्सोरूम प्राइस देखने को मिलती है। बात करने इसके ऑन रोड प्राइस के बारे में, तो आपको पहले मैं क्लियर कर दूँ, हर एक स्टेट एंड सिटी में ऑन रोड प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, क्योंकि हर एक स्टेट के RTO एंड इंश्योरेंस चार्जेस में फ़र्क होता है। ये बाइक हमारे यहाँ रायपुर छत्तीसगढ़ में ऑन रोड प्राइस अराउंड 1,95,000 रुपीज़ के आसपास की ऑन रोड प्राइस मिलती है। ध्यान रखिए, ऑन रोड प्राइस कभी भी सेम नहीं रहता, थोड़ा इधर उधर ऊपर नीचे 500,000 होता रहता है। तो परफेक्ट प्राइस के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, भाई कांटेक्ट नंबर दे रखा है। चलिए अब आ जाते हैं इसके रिव्यू में। सबसे पहले दोस्तों आ जाते हैं इस बाइक के फ्रंट में। देख पा रहे, फ्रंट में आपको छोटी छोटी LED जो डियरन लाइट है वो आपको R15S में देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी अच्छी लगती है। मेन लाइट तो आपको याद दिलाएगी R15 वर्जन 3 की, और वर्जन 3 और S में कोई डिफरेंस नहीं है, सिवाय सीट के अलावा सारी चीज़ें सेम है। एक बार मैं आपको इसकी लाइट ऑन करके दिखाता हूँ। बाइक को ऑन करेंगे, ऑन करने के बाद इसे बंद कर देंगे, तो इसकी जो लाइट है वो ऑन रहेगी। ठीक है, बस बंद कर दो। अब इसकी लाइट आप देख पा रहे हैं, मेन लाइट ऑन हो गई है। देख पा रहे हैं, मेन लाइट में आपको बाइक में फुल LED सेटअप में लाइट मिलता है, और यहाँ पर आप लोगों को लो बीम और हैवी बीम दो पार्ट में लाइट दी गई है। तो नो डाउट यार, इसकी जो लाइट है वो आपको काफ़ी अच्छी मिलेगी। टर्न सिग्नल लैंप आपको इस पर बल्ब देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं इस बाइक के सस्पेंशन में। दोस्तों देख पा रहे, बाइक में आप लोगों को R15S में ना टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, V4 में USD आते हैं, इसमें टेलीस्कोपिक आते हैं, तो एक फ़र्क आपको मिलेगा। टायर साइज में फ्रंट में 180 की जो टायर साइज है वो आपको बाइक में फ्रंट में देखने को मिल जाती है। बात करते हैं इसके ब्रेकिंग के बारे में। ब्रेकिंग में दोस्तों इस बाइक में आप लोगों को ध्यान रखिए, डुअल चैनल एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिलता है। जी हाँ, ABS है, जो कि डुअल चैनल ABS मिलता है। और अगर बात करें प्लेट साइज के बारे में, तो फ्रंट में आप लोगों को बाइक में 282 की जो प्लेट है वो आपको बाइक में फ्रंट में देखने को मिल जाती है। अब आ जाते हैं इस बाइक के इंजन स्पेसिफिकेशन में। दोस्तों R15S, R15 V4, Yamaha MT-15, इन सभी बाइक में आपको ऑलमोस्ट सेम इंजन देखने को मिलता है। जी हाँ, कोई फ़र्क नहीं है, सेम इंजन यहाँ पे हमारे यूज़ किया है। बात करें दोस्तों इसके इंजन के बारे में, इस बाइक में आप लोगों को लगभग 155 cc का लिक्विड कूल 4-स्ट्रोक SOSE 4 वाला जो इंजन है वो आपको इस बाइक में देखने को मिल जाता है। एंड ध्यान रखिए दोस्तों, इसमें आप लोगों को जो है यामा की VV यानी कि वेरिएबल वॉल्व इक्वेशन जो टेक्नोलॉजी है वो भी आपको मिल जाती है। ये बाइक मैक्सिमम पावर में अराउंड 18.4 के आसपास की PS पावर जनरेट करती है, एंड 14.2 के आसपास का जो न्यूटन मीटर टॉर्क है वो आपको R15S में देखने को मिल जाता है। तो पावर इसकी काफ़ी अच्छी है, और एक VVA टेक्नोलॉजी की वजह से और भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाती है। वही दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, इस वाली मॉडल में आपको लिक्विड कूल इंजन मिलता है। देख पा रहे, काफ़ी अच्छा रेडिएटर कंपनी ने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। इसमें आप लोगों को जो स्लीपर क्लच है वो भी देखने को मिलता है। एक चीज़ मिसिंग है, किक शिफ्टर, जो कि आपको V4 में मिलता है, इसमें नहीं मिलेगा। बाकी बाइक में आपको 6 गियर देखने को मिल जाते हैं। यह BS6 विथ E20 रोम्स वाली बाइक है। तो ये था दोस्तों इस बाइक का कंप्लीट इंजन स्पेसिफिकेशन। बात कर लेते हैं इसके माइलेज एंड परफॉर्मेंस के बारे में। अब
ऑब्वियसली बात है, कोई भी चीज़ खरीदने वाले खरीदने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले अपने बजट के बारे में सोचते कि भाई जेब में पैसे कितने हैं। आपको मैं बताना चाहूँगा, ये जो माइलेज देती है आपको अराउंड लगभग 40 के आसपास का माइलेज इजीली निकाल कर देती है, और ये यामाहा में ही पॉसिबल है कि भाई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस हो और इतनी अच्छी माइलेज हो तो बड़ी बात है। 0-100 में इसको लगभग 10 सेकंड लगते हैं। टॉप स्पीड अराउंड 150 किलोमीटर पर आवर के आसपास की टॉप स्पीड आपको इसमें मिल जाती है। अब आते हैं रेयर की तरफ, टेल लाइट भी बाइक में आपको LED देखने को मिलती है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। रेयर में आप लोगों को बाइक में 140-70 के टायर साइज देखने को मिलेंगे जो कि 17 इंच व्हील के साथ में आते हैं। बात कर लेते हैं ब्रेकिंग के बारे में। ब्रेकिंग में दोस्तों इसमें आप लोगों को 230mm की जो डिस्क प्लेट है वो आपको रियर में देखने को मिलती है, काफ़ी अच्छी ब्रेकिंग प्लेट दी गई है। और आप देख पा रहे हैं ये बाइक का जो एग्जॉस्ट है ये भी आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा, और बाइक का आप लोग देख पा रहे हैं काफ़ी अच्छा जो एग्जॉस्ट है इसका लुक निकल के आता है, काफ़ी बेसी साउंड करता है। रियर में इसमें आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिलेंगे, काफ़ी अच्छे सस्पेंशन यामा वालों ने दिए हुए हैं, और ऑब्वियसली बात है भाई यामा की बाइक है तो इंजन क्वालिटी तो बहुत अच्छी मिलेगी। बात करें सीट के बारे में तो दोस्तों R5 वर्जन 3 और R5S में सिर्फ एक ही डिफरेंस था, वो ये था कि इसमें आप लोगों को ना सिंगल सीट मिलती है, और जो अपनी V3 थी उसमें आपको स्प्लिट सीट मिलती थी, बट इतना ही फ़र्क था और कोई फ़र्क नहीं आता। ठीक है, ये बाइक का टैंक देख पा रहे हैं काफ़ी शार्प है, यहाँ पे आपको E20 की ब्रांडिंग मिलती है, यहाँ पे आपको R5S की ब्रांडिंग मिलती है। बात करें स्पीडोमीटर के बारे में, सबसे पहले आप की देख लीजिए, इस टाइप की की आपको मिलेगी। स्पीडोमीटर में दोस्तों बाइक में आपको फुली जो डिजिटल मीटर है वो आपको बाइक में मिलता है, जिस पर आपको काफ़ी सारे फीचर देखने को मिल जाते हैं। बता देता हूँ क्या क्या फीचर हैं। ये आपका गियर इंडिकेटर है, एक गियर डालता हूँ NC, ये गियर इंडिकेटर है, ये टेकोमीटर है जिसे RPM कहते हैं, ये क्लॉक है, ये स्पीडोमीटर है, ये फ्यूल इंडिकेटर है। दो स्विच दिए हैं जिससे आप इसके स्पीडोमीटर को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, ये किमीमीटर है कितना माइलेज दे रही है, एवरेज फ्यूल इकोनोमीटर है, ऑडोमीटर है, ट्रिप 1 ट्रिप 2 आपको बाइक में मिल जाएगा। स्विचेस में ये पास सीस लोबी मैबिम टर्न सिंगल लैप, ये हॉर्न है, यहाँ पे आपको इंजन गिल सीस सेल्फ का स्विच आपको बाइक में मिलता है, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कितनी बड़ी बड़ी यामा की ब्रांडिंग मिल जाती है। वही दोस्तों बात कर लेते हैं इसकी सीट हाइट के बारे में। बाइक की जो सीट हाइट है R5S की वो है अराउंड 815mm की, 815mm की, मतलब आपकी हाइट अराउंड 5.3 है उससे ऊपर है तो आप इसे कंफर्टेबल राइड कर सकते हो। कर्वेट अराउंड 142 kg के आसपास का कर्वेट आपको मिल जाता है। श्वेता दोस्तों ब्रांड न्यू यामा R5S का कंप्लीट स्पेसिफिकेशन रिव्यू, बाकी आपको बाइक कैसी लगती है R5 कमेंट करके ज़रूर बताना भाई, बताएं मुझे, दिलों में राज करने वाली बाइक है भाई R5, आपको कैसी लगती है आप ज़रूर बताना। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बताना वीडियो कैसी लगी, बाइक कैसी लगी, और बात करनी है इंस्टाग्राम में सेम नाम द समीर ब्लॉग्स के साथ मिल जाऊँगा, आप लोग वहाँ आकर भी आकर बात कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नवी ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।